गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आशुतोष लुक्कर, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा। डियर स्टूडेंट, ये वीडियो कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन CADD पर बनाया जा रहा है और इस वीडियो में मैंने इस कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन से जुड़े बेसिक फीचर्स को बताने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद इस कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन को पढ़ने और समझने में आपको कुछ मदद जरूर मिलेगी। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ये कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन एक्चुअल में है क्या। डियर स्टूडेंट्स, यदि मैं आपसे कहूं कि आप अपने हाथों से एक गोल आकार बनाइए, अपने पेंसिल से एक स्फेरिकल शेप स्ट्रक्चर बनाइए, तो क्या आप अपने हाथों से पूरी सफाई के साथ एक परफेक्ट स्फेरिकल स्ट्रक्चर बना सकते हैं? कुछ लोग शायद बना भी लें, पर अधिकतर लोगों को बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। उनके हाथ द्वारा बनाने से शायद उनकी सफाई ना भी आ पाए, या उस स्ट्रक्चर को बनाने में आपको कई बार इरेजर का यूज करना पड़े, आपको अपने डायग्राम को कई बार मिटाना भी पड़ सकता है। लेकिन इसी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए अगर आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करें तो कंप्यूटर में कुछ सेकंड में आप एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत साफ सुथरा स्फेरिकल शेप स्ट्रक्चर को आप बना सकते हैं, कम समय में और बहुत ही साफ सुथरा। बड़े बड़े कैलकुलेशंस को करने के लिए यदि हम मैन्युअली उन कैलकुलेशन को यदि हम करने बैठे तो हमारा समय बहुत लगेगा और शायद हमें उसमें कुछ गलतियों के भी चांसेस हो सकते हैं। लेकिन उसी कैलकुलेशन को अगर हम कंप्यूटर या कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें तो उसी कैलकुलेशन को हम कम से कम समय में सही रिजल्ट के साथ हम उस कैलकुलेशन को कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से हमने आपको बायोइनफॉर्मेटिक्स के बारे में बताया था कि बायोइनफॉर्मेटिक्स एक ऐसी इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच है जिसमें हम मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स को, इंजीनियरिंग को यूज करते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। सो हम आगे बढ़ते हैं कि यह कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन है क्या। जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर ने आज हमारे बहुत से कामों को आसान बना दिया है। बड़े बड़े कैलकुलेशन, बहुत बड़ा डिजाइनिंग, प्लानिंग, बहुत अच्छी ड्राइंग और बहुत सारे काम हम अपने डेली रूटीन के काम को, पढ़ाई तक के काम को हम कंप्यूटर के थ्रू आसान बना लेते हैं। इवन ये प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए भी मैंने कंप्यूटर का इस्तेमाल किया है, ये बात आप भी समझ सकते हैं। और कंप्यूटर के थ्रू जब हम कोई भी प्रेजेंटेशन जब हम बनाते हैं तो वो थोड़ा सा और प्रेजेंटेबल होता है। इस टॉपिक का जैसा नाम है कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन, तो एक्चुअल में ये है क्या, ये कंप्यूटर एडेड का मतलब क्या है। कंप्यूटर एडेड, यहां जो नाम लिखा हुआ है कंप्यूटर एडेड, इसका मतलब है कि कंप्यूटर का इस्तेमाल करके, कंप्यूटर के द्वारा, और ड्रग डिजाइन मतलब हमें क्या करनी है, डिजाइनिंग करनी है। डिजाइनिंग का मतलब आप भी समझते हैं, डिजाइन करने का मतलब है कि एक प्लान तैयार करना। आप किसी भी चीज को जब आप बनाने जाते हैं, कोई भी चीज जब आप बनाते हैं तो आपकी एक डिजाइन होती है, एक प्लानिंग होती है कि आप किसी काम को किस तरीके से करने जा रहे हैं। तो इस टेक्निक को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं कि एक्चुअल में है क्या। तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि ड्रग्स क्या है। ड्रग्स केमिकल्स जो आप लोग हम सभी कंज्यूम करते हैं, जब भी हमें कोई हेल्थ इश्यू होता है, कोई तबियत गड़बड़ होती है तो हम दवाइयां कंज्यूम करते हैं, दवाइयां लेते हैं और उसको लेने के बाद, ड्रग्स लेने के बाद हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो खत्म हो जाती है। सो ये ड्रग्स एक्चुअल में है क्या। तो ये ड्रग्स ऐसे केमिकल हैं जिन्हें ऑर्गेनिज्म के द्वारा कंज्यूम करने पर ये बॉडी में कुछ फिजियोलॉजिकल और कुछ साइकोलॉजिकल चेंजेस लाते हैं। इन ड्रग्स का असर कुछ ऐसा होता है कि ये ड्रग्स हमारी बॉडी में जिस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए लिया गया है वो प्रॉब्लम हमारी खत्म हो जाती है। एक उदाहरण आपको ये हम देते हैं कि जैसे आप देखिए कि हम इंसानों में अक्सर फीवर की प्रॉब्लम होती है कि हमें कभी फीवर आता है, कभी हमारी बॉडी में दर्द होता है। हम मार्केट जब कोई हम टैबलेट खरीदते हैं तो आप देखिए कि फीवर को दूर करने वाली टैबलेट्स और पेन किलर, दोनों टैबलेट एक दूसरे से दिखने में एक जैसी हो सकती है, उसका शेप, उसका आकार एक जैसा हो सकता है, लेकिन दोनों के का जो मोड ऑफ एक्शन है, जो कार्य करने का तरीका है वो अलग अलग है, दोनों का असर अलग अलग है। फीवर को रिड्यूस करने वाली जो टैबलेट्स है वो हमारी बॉडी के किसी पर्टिकुलर एरिया में जाकर बाइंड करती है और अपना एक्शन परफॉर्म करती है। ठीक इसी प्रकार से जो पेन किलर है
वो पेन किलर भी हमारी बॉडी के किसी टारगेट साइट पर जाकर बाइंड करती है और अपना इफेक्ट शो करती है। इसका मतलब यह है कि कोई भी ड्रग, कोई भी केमिकल तब तक अपना असर, तब तक अपनी इफेक्टिवनेस, अपना कार्य नहीं कर पाती जब तक कि वो बॉडी के किसी टारगेट साइट पर, किसी टारगेट प्रोटीन से जाकर बाइंड ना करे। कारण यही है कि आज हम कोरोना वायरस और HIV के लिए अब तक हमें सक्सेसफुल ट्रीटमेंट नहीं ढूंढ पाए हैं, क्योंकि जो ड्रग्स है वो इन वायरस के प्रति कोई टारगेट साइट पर बाइंडिंग इनकी नहीं हो पा रही है। इसके और भी कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन यहां पर जो हम लोग बात कर रहे हैं कंप्यूटर ड्रग डिजाइनिंग में, तो जैसे कि आपको बताया कि कोई भी केमिकल तभी असरदार हो सकती है जब उसकी बाइंडिंग शरीर के किसी एक टारगेट साइट पर हो। बिना बाइंडिंग के कोई भी ड्रग अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाती। हम लोग इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। सो डियर स्टूडेंट, ये जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है इसे आपको कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन के बारे में कुछ बेसिक फीचर्स बताने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि कोई भी ड्रग तब तक अपना इफेक्ट शो नहीं करती, तब तक वो अपना असर नहीं करती जब तक कि वो बॉडी में किसी पर्टिकुलर टारगेट साइट पर जाकर बाइंड ना हो सके। जब तक उस ड्रग की बाइंडिंग नहीं होगी तब तक वो ड्रग अपना इफेक्ट कभी भी शो नहीं कर पाती। तो जितनी भी फार्मा इंडस्ट्रीज है जहां पर वैरायटी ऑफ ड्रग्स का डेवलपमेंट होते हैं, वहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और रिसर्चर्स कई सारी केमिकल्स की स्टडी करते हैं, वो उस ड्रग की टारगेट साइट को पता करने की कोशिश करते हैं कि वो कोई भी अननोन ड्रग, कोई भी केमिकल जिसका एक थेरेप्टिक यूज कर सकते हैं, उसको ह्यूमन के केस में हेल्थ इश्यूज को सॉर्ट आउट करने के लिए यूज कर सकते हैं, तो वो नई से नई ड्रग हमारी बॉडी में कहां जाकर बाइंड होगी और बाइंड करने के बाद अपना असर दिखाएगी। उस ड्रग के बाइंडिंग के कारण अन्य ऑर्गन्स, अगर बगल के ऑर्गन्स को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, ये सारी चीजों की स्टडी पहले की जाती है और सक्सेस मिलने के बाद ही वो ड्रग मार्केट में बिकने के लिए रिलीज की जाती है। सो यहां पर आपको बताना चाह रहे हैं कि कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन, ये इस टेक्निक में हम किसी भी केमिकल स्ट्रक्चर की, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर की को हम प्रेडिक्ट करते हैं। हम ये पता करने की कोशिश करते हैं कि केमिकल का स्ट्रक्चर कैसा है, उसका थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर कैसा है, और वो हमारे बॉडी में मतलब टारगेट साइट पर, टारगेट प्रोटीन पर जाकर किस तरीके से बाइंड होगी, कैसे बाइंड होगी। क्योंकि बिना बाइंडिंग के कोई भी ड्रग अपना इफेक्ट शो नहीं करती। वो ड्रग बॉडी के किसी टारगेट साइट पर जाकर बाइंड होती है, सॉल्व होती है, और जो जिस प्रॉब्लम के लिए, जैसे कि अगर हमने फीवर के लिए कोई टैबलेट ली हुई है, तो वो ड्रग, वो केमिकल बॉडी में बाइंड होने के बाद ही फीवर को कम करेगी, या पेन किलर है तो वो बाइंड होने के बाद ही पेन को कम करेगी। तो इसी प्रकार से और न जाने कितने सारे केमिकल कंपाउंड्स हैं जिनकी बाइंडिंग के बारे में हम ज्यादा अभी फिलहाल नहीं जानते। वो केमिकल्स हमारे लिए यूजफुल तो है, लेकिन हमें उनकी टारगेट साइट नहीं मालूम है कि वो कहां जाकर बाइंड करेंगे। तो इस कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन में हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, हम कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, हम कई सारे एल्गोरिदम्स वगैरह का यूज करते हैं। हम ये पता करने की कोशिश करते हैं कि ड्रग्स का जो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, हम उसको प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। हम एक आंकलन लगाते हैं कि ड्रग का स्ट्रक्चर कैसा होगा कि उसकी बाइंडिंग टारगेट साइट पर जाकर बाइंड अप हो सके। सो इस कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन में हम किसी भी केमिकल या ड्रग की टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट करते हैं। इस तरीके से हम एक बहुत सारे केमिकल्स का एक रैपिड असेसमेंट करते हैं, हम एक बार में बहुत जल्दी उनको हम चेक कर पाते हैं कि वो ड्रग्स, मतलब उन केमिकल्स को हम ड्रग्स की तरह हम कोई मेडिसिन बनाने के लिए या ह्यूमन पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं या नहीं। तो उन केमिकल्स को कंप्यूटर का इस्तेमाल करके पहले उनकी बाइंडिंग साइट, उनके टारगेट साइट, ये सब की स्टडी की जाती है, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट किया जाता है, और जब ये सारी इंफॉर्मेशन किसी केमिकल के बारे में जब हमें मिल जाती है, तब उस केमिकल का इस्तेमाल हम ड्रग्स के रूप में, उस ड्रग्स को यूज करते हैं प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज को सॉर्ट आउट करने के लिए। इस कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइनिंग के द्वारा हम किसी भी केमिकल या किसी भी ड्रग
कि जो बाइंडिंग स्ट्रेंथ है कि वो कितनी मजबूती से या कितने लूजली वो अपने टारगेट साइट से बाइंड कर रहा है, क्योंकि जो ड्रग स्ट्रॉन्गली बाइंड करता है वो अपना इफेक्ट और बेहतर से बेहतर शो कर पाता है। सो हम लोग इसके नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। सो जैसा कि हमने आपको बताया कि कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइनिंग के द्वारा हम किसी भी केमिकल कंपाउंड या किसी भी ड्रग का टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट करते हैं और ये पता करने की कोशिश करते हैं कि वो ड्रग की टारगेट साइट कैसी है, वो उसकी बाइंडिंग कैसे होगी। हम टारगेट साइट के अनुसार हम उस ड्रग की डिजाइनिंग करते हैं। सो सबसे पहले ड्रग की डिजाइनिंग में सबसे पहले ये बात जानना जरूरी है कि जिस केमिकल या जिस ड्रग के बारे में हमें टारगेट साइट में पता करना है, उसका स्ट्रक्चर पता करना है कि वो उसको हम ड्रग के तौर पर यूज कर सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहला काम है उस केमिकल का स्ट्रक्चर जानना, क्योंकि जब तक हम केमिकल का स्ट्रक्चर नहीं जानेंगे हमको ये कैसे पता चलेगा कि उसकी टारगेट साइट कैसी हो सकती है। हम आपको शेप के अनुसार कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप समझिए कि अगर कोई केमिकल है जिसका शेप गोलाकार है, स्फेरिकल, और उसकी जो टारगेट साइट है वो स्क्वायर शेप्ड है, तो क्या स्क्वायर शेप्ड स्ट्रक्चर में गोलाकार मतलब स्फेरिकल शेप स्ट्रक्चर कभी परफेक्टली बाइंड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। कारण यह है कि टारगेट साइट का शेप अगर स्क्वायर शेप्ड का है तो उसमें परफेक्टली फिट एक स्क्वायर शेप्ड का स्ट्रक्चर ही फिट बैठ पाएगा। यदि हमें ड्रग को टारगेट साइट पर अगर हमको बाइंड कराना है ताकि वो अपना इफेक्ट शो कर सके, बायोलॉजिकल एक्टिविटी को ट्रिगर कर सके, तो उसके लिए जरूरी यह है कि दोनों के बीच स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी होनी चाहिए। मीन्स हमारा ड्रग और हमारी टारगेट साइट दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होनी चाहिए ताकि बाइंडिंग दोनों की परफेक्ट हो सके। तो अब जो टारगेट साइट है वो तो किसी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, तो हम ऑर्गेनिज्म में जो ऑर्गन है, जो अंग है, जो टारगेट साइट है, हम उसको ज्यादा मॉडिफाई तो नहीं कर सकते। कुछ हद तक कर सकते पर हम ज्यादा मॉडिफाई तो नहीं कर सकते, लेकिन जो केमिकल है हम उसको जरूर मॉडिफाई कर सकते हैं, हम ड्रग को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो पहला हमारा काम है केमिकल का उस ड्रग का स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करना, स्ट्रक्चर का डिटर्मिनेशन करना, पता करना। तो स्ट्रक्चर को पता करने के लिए हमारे पास दो बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, जिसमें से एक है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, NMR। NMR का यूज करके भी हम स्ट्रक्चर का डिटरमिनेशन करते हैं। ये जो इमेज जो आपको शो कर रहे हैं ये इमेज एक NMR की है, और इस टेक्निक के द्वारा हम किसी भी केमिकल कंपाउंड का स्ट्रक्चर को डिटरमाइन कर सकते हैं। NMR के द्वारा हमारे पास एक दूसरी पावरफुल टेक्निक है, और उस पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल पता करने के लिए भी यूज किया गया था। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, एक्सरे डिफ्रेक्शन मेथड, इस मेथड के द्वारा भी हम स्ट्रक्चर डिटरमिनेशन करते हैं। एक इमेज हम आपको शो करने जा रहे हैं, ये एक्सरे डिफ्रेक्शन है जिसमें हम एक्सरे का यूज करके किसी भी क्रिस्टल्स का स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करते हैं। एक्सरे क्रिस्टल से टकराती है, एक्सरे डिफ्रैक्ट होती है, और उस डिफ्रेक्शन जो डिफ्रैक्ट हुई जो रेज है उसके आधार पर हम स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, जो ड्रग डिजाइनिंग है ये हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला है स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिजाइनिंग SBDD, और दूसरा है लिगेंड बेस्ड ड्रग डिजाइनिंग। स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिजाइनिंग बहुत ही सिंपल है, ये लिगेंड और टारगेट साइट में स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी पर आधारित है। लिगेंड का स्ट्रक्चर मतलब ड्रग के साथ जो अटैच लिगेंड का स्ट्रक्चर, जब टारगेट साइट के स्ट्रक्चर से दोनों एक जैसे होते हैं, दोनों की स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी होते हैं, रिसेप्टर्स जब वो मैच करते लिखा हुआ है, जब स्ट्रक्चर रिसेप्टर का स्ट्रक्चर हमें पता होता है, जब दोनों स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी है तो दोनों की बाइंडिंग परफेक्ट हो जाती है। इस प्रकार की स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी पर आधारित जो मेथड है वो कहलाती है स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिजाइनिंग। वहीं दूसरी ओर लिगेंड बेस्ड का इस्तेमाल हम उन ड्रग्स के लिए करते हैं जहां पर स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी नहीं होती, जहां पर रिसेप्टर्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होता, हमें कोई शेप स्ट्रक्चर पता नहीं होता, उस केस में हम लिगेंड का यूज करते हैं, और लिगेंड उस पर्टिकुलर ड्रग को टारगेट साइट पर बाइंड कराती है। तो इस प्रकार से हम दो तरीके से ड्रग डिजाइनिंग कर पाते हैं, पहला स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिजाइनिंग और दूसरा लिगेंड बेस्ड ड्रग डिजाइनिंग। लास्ट में हम आते हैं इस
ड्रग डिजाइन के एप्लीकेशन पर इसको हम कहां कहां यूज कर सकते हैं। तो पहला इसका एप्लीकेशन है वो हम किसी भी ड्रग का जो स्ट्रक्चरल फीचर्स है हम उसको पता कर सकते हैं। दूसरा, किसी भी ड्रग्स की बाइंडिंग को एनहेंस कर सकते हैं, हम बढ़ा सकते हैं। कोई भी ड्रग अगर बाइंड नहीं हो रही है तो हम लिगैंड के द्वारा या उसका जो टारगेट साइट है उसको मॉडिफाई करके, ड्रग्स को मॉडिफाई करके हम बाइंडिंग को एनहेंस कर सकते हैं। इस टेक्निक के द्वारा, इस कंप्यूटर ड्रग डिजाइनिंग के द्वारा हम एंटीवायरल ड्रग्स का डेवलपमेंट कर सकते हैं, नए ड्रग्स को डिजाइन कर सकते हैं और कई सारे ड्रग्स को मिलाकर एक ड्रग बना सकते हैं और कंप्यूटर की सहायता से उस नई ड्रग का टारगेट साइट कैसा होगा, हम उस जो नई ड्रग बनी हुई है उस ड्रग का स्ट्रक्चर कैसा होगा उसको भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, हम उस ड्रग्स का डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल जो प्रेजेंटेशन था ये कंप्यूटर एडेड डिजाइन पर था। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो आप जरूर पूछें और इस लॉकडाउन का फिलहाल पालन करें। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि लॉकडाउन इन केस अगर खत्म होता भी है तो बाहर की चीजों को, बाहर के खाने पीने को बहुत अवॉइड करिए, भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाने से बचिए और सुरक्षित रहिए, आप भी सुरक्षित रहिए और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखिए। थैंक यू सो मच।